हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। देखिए, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और अनुपात दिया इसने, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा 20:21 दे रखा। कोई चीज 20 में खरीदी और 21 में बेची तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपये का। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य 20 × 100/1। 20 से काटा 20 × 100, 5% उसको लाभ हो गया। 5% उसको लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ बेच जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो, 5% हानि और लाभ कितना हो रहा? 10% और इसका बराबर उसको कितना 75 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना है कि एक हानि और एक लाभ अलग अलग मिले तो जोड़ लेना। दोनों लाभ मिले तो घटेगा, दोनों हानि मिलेगी तो घटेगा, ये ध्यान रखना। बस एक लाभ और एक हानि होगी तो जुड़ेगा, दोनों का लाभ होगा तो घटेगा, दोनों हानि होगी तो घटेगा। तो एक हानि एक लाभ है तो जुड़ेगा, तो 10 × 5 = 15% बराबर 75, 15 × 15 = 75। जब 1% का मान 5 आ गया तो 100% का मान कितना होगा? 500 इज द राइट आंसर। 100% का मान कितना होगा? 500। अगला देखिए, 20% लाभ और 20% हानि तो 60 रुपये अधिक मिलता है। तो 20% लाभ और हानि 20%, 60 रुपये अधिक मिलता है। तो भी इसमें वही करना, एक लाभ ने एक हानि, बीस से 40, 60, तो 100% बराबर क्या होगा? 60/40 × 100/1। सिपर से सिपर कट गई, 4 से कटा 25 × 150, 150 इसका राइट आंसर होगा। दस परसेंट लाभ और 25% लाभ दोनों लाभ है। और 45 अधिक मिलता है। अब जब दोनों अगर लाभ दे दे तो अपन घटाएंगे, ठीक ध्यान रखना, दोनों हानि दे तो घटाएंगे। तो 25 में 10 गए तो कितना बचा? 15% बराबर 45। 15 × 3 = 45, 1% का 3 है तो 100% का बराबर 300 इज द राइट आंसर। 100% का मान कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, 1 रुपये 2 की दर से नींबू खरीदता है, 1 रुपये में कितना खरीदता हो? 1 रुपये में 2 खरीदता है
दो नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 बेच देता है। 3 रुपये में कितना बेचता है? 5। 1 रुपये में 2 खरीदता है और 3 रुपये में 5 बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 रुपये में 2 खरीदता है और 3 रुपये में 5 बेचता है, तो त्रास गुणा कीजिए, तो 3 × 2 = 6 और 5 × 1 = 5। 6 में खरीदा 5 में बेचा, तो यहां उसको 1 रुपये का नुकसान हो रहा। दो 3 × 6 = 2 × 5 = 10, 3 × 16 = 2/3% की उसको हानि हो गई। 16 × 2/3% की उसको क्या हो गई? हानि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, दस रुपये में पाँच खरीदता है और 15 रुपये में 6 बेचता है, 6 बेचता है। देखो 10 रुपये में कितना खरीदता? 5 और 15 रुपये में 6 बेचता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 6 = 60 और 15 × 5 = 75। 60 में खरीदा 75 में बेचा, 60 में खरीदा और 75 में बेचा, तो 15 रुपये उसको लाभ हुआ। 15/60 × 100/1, 15 × 15 = 60 और 4 से काटा तो 25, 25% उसको लाभ हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, इससे पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते एक बार, और अभी अपनों ने सॉल्व किया है इसको एक बार और देख लेते, इसमें ध्यान नहीं रहा। जब 1 रुपये में 2 खरीदता है और 3 रुपये के 5 बेचता है, ठीक है, तो 1 रुपये में 2 खरीदता और 3 रुपये में 5 बेचता है, तो पहले इसका गुणा होगा, तो 5 × 5 आएगा और 2 × 3 = 6 आएगा, और 5 में खरीदा 6 में बेचा है कि 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 1/5 × 100/1, 5 से काटा 20, 20% इसको लाभ होगा। ये पहले वाला क्वेश्चन का आंसर है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इस तरह से बड़े आसानी से निकाल सकते। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।